देखो, सबसे पहले अपने पास में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर सिस्टम जिसमें आवाज आ रही है ना। हाँ सर, ये रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। हाँ, ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें अपने पास में रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इसको अपन डिनोट करते हैं जेड से, और जेड बराबर होता है क्या, ए प्लस आयोटा बी। ए क्या होता है आपके पास में, रियल नंबर, और बी क्या होता है आपके पास में, इमेजिनरी नंबर, यस सर, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हाँ ये सर, दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका बनता रहता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो आयोटा है वो क्या है आपके पास में, जो आई इक्वल टू आपके पास में क्या है, रूट अंडर रूट -1 अंडर अंडर रूट -1। हाँ, अंडर रूट -1 की वैल्यू जो होती है वो किससे नोट की जाती है, आयोटा से। ठीक है, इसको अपन आयोटा बोलते हैं, जिसमें ए इज द रियल पार्ट एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट। इसको अपन क्या बोल देते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोल देते हैं। इमेजिनरी पार्ट, यस सर। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए, जब इसको आयटा को स्क्वायर किया जाता है तो दोनों तरफ पर जो इसकी आयटा स्क्वायर की वैल्यू जाती है -1। ठीक, और जब आयटा की पावर क्यू की जाती है तो इसकी वैल्यू होती है अपने पास में माइनस के आयोटा। ठीक है, और आयोटा की पावर 4 होती है, उसकी वैल्यू हो जाती है अपने पास में +1। कैसे हो जाती है, क्योंकि आयटा स्क्वायर इसको मैं तोड़ सकता हूँ क्या, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और यस सर, आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, और माइनस वन वन का माइनस मल्टीप्लाई -1 से कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, +1। तो आयोटा वन स्क्वायर क्या होता है, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास में, 1। ठीक है, तो जेड यस सर, इक्वल टू, सबसे पहले आपको ये वाली जो फॉर्म है आयोटा, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये वाली फॉर्म कहलाती है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर की जैसे स्टैंडर्ड। आयोटा क्यूब जो है उसकी माइनस आयोटा हो जाती है। माइनस आयोटा वैल्यू रहती है, आयोटा क्यू वोल क्यू होता है उसका, आयोट माइनस आयोटा रहती है। कैसे निकलता है, क्योंकि तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, वन -1। इसको मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूँ, माइनस क्योंकि वन, आयोटा हाँ सर, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में आयोटा। ठीक है, तो सर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये क्या हो जाएगा, -1 का आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा। माइनस है, यस सर, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है अपने पास में, ए प्लस आयोटा पी। ए आपके पास में रियल पार्ट, हमेशा इसको क्या बोल दिया जाएगा, रियल, और बी को बोल दिया जाता है क्या, इमेजिनरी पार्ट। यस सर, ठीक है, जिनका अपन रूट नहीं ले सकते हैं वो वाले सभी वैल्यू क्या कहलाते हैं आपके पास में, इमेजिनरी कहलाते हैं। जिनका अपन अंडर रूट नहीं निकाल सकते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं आपके पास में, इमेजिनरी कहलाते हैं। ठीक है, सर, तो माइनस में जितनी भी वैल्यू रहेंगी वो क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी कहलाएंगे। माइनस में जितनी, जैसे इमेजिन, -6 अंडर रूट में इसकी अपन वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, हाँ सर, -225 इसकी अपन अंडर रूट में वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। इनके लिए ही उन्होंने क्या हुआ, एक आयलर नामक साइंटिस्ट थे, आयलर नामक वैज्ञानिक, तो उन्होंने उसमें से -1 को अलग ले लिया और अंडर रूट 6 को अलग ले लिया था। इस वाली चीज का नाम दे दिया क्या, आयोटा। आयोटा, इस वाली चीज का क्या दे दिया नाम, जिसे आयोटा दे दिया। तो जब आयोटा का मल्टीप्लाई किया आयोटा, अपने अलग, आयोटा और अब इसका अंडर रूट 6 की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये रहेगा तो कौन सा वाला, इमेजिनरी पार्ट रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसकी तो -1 को सर अलग ले नेटवर्क नहीं आ लिया रहे था, शायद। -1 को अलग ले लिया था, सर, और 25 को अलग ले लिया, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं अपन, आयोटा, और इसको लिख सकते हैं अपन कितना, आयोटा अंडर रूट 25, है ना, और इसको अपन 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना, 5। तो इसको लिख सकते हैं फाइव अपन 5 आयोटा। फाइव आयोटा, ठीक है, यस सर, इस तरीके से अपने पास में ये तो क्या था, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हर एक को जब भी आप
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करोगे तो इस वाली फॉर्म में आपको लेके आना होगा। जब इस वाली फॉर्म में लेके आ सकते हैं तो अब अपन को रियल पार्ट अलग कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग कर सकते हैं। मतलब आयटा का जो सर, कोफिशिएंट होगा, आयटा का यस जो सर, मल्टीपल होगा, वही क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। और विदाउट आयटा वाला वो कहलाता है अपने पास रियल पार्ट। रियल पार्ट। ठीक है, उसको अपन बोल देते हैं अपन रियल पार्ट। अब देखिए, यस ये तो हो गया। अब ये तो हो गया, जैसे मान लो इसको अपन जेम से डोंट करते हैं। अब इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि इसके सहयोगमी। तो अगर यदि जेड इक्वल टू अपने पास में यस ए प्लस आयोटा बी है, तो इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब जेड बाहर से नोट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है अपने पास में ए माइनस बी। आयोटा बी। अच्छा सर, वो ए माइनस आयोटा जो बी है प्लस इसका अपना है वो, कॉन्जुगेट, इसको बोल दिया जाता है कॉन्जुगेट। हाँ, जो आयोटा वाला पार्ट है वो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, हाँ इसको सर, बोला जाता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर यहाँ पर ये पहले से माइनस होता, अगर जेड इक्वल टू अपने पास में ये है, देखिए जेड इक्वल टू अपने पास में ये होता ए माइनस आयोटा बी, तो तब इसका जेड बार इक्वल टू क्या हो जाता ए माइनस ए प्लस आयोटा। तब इसको अपन क्या बोल देते हैं? कॉन्जुगेट बोलते हैं। जब यस प्लस सर, होगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तब प्लस हो जाएगा। ओनली इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज होगा, तो रियल पार्ट का साइन होगा वही रहेगा। तो चेंजिंग, यस सर, इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा इस पे। क्वेश्चन क्या होते हैं? सर, देखिए, क्लियर नहीं हो रहा। अभी भी सर ब्लर है थोड़ा। हेलो, हाँ सर, देखिए, हाँ बोलिए। सर वो नीचे वाला जो था वो मैंने नोट डाउन नहीं करा था। हाँ सर, लो, एक ठीक कौन, है, कर लिया। एक मिनट से, ए प्लस, यस सर, ओके, सर, देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि आयटा की पावर 41 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, आयटा की पावर यस सर, 41 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे? इसके 4 को मल्टीपल में तोड़ दोगे। 4 के मल्टीपल में किस तरीके से तोड़ते हैं? जैसे मान लो आयटा की पावर 4 और इसका कितने से मल्टीप्लाई किया जाए? 10 से, तो ये कितना हो जाएगा? 40। आई सर, टाइप और फोर, फोर को मल्टीप्लाई करेगा 10 से, तो ये कितना हो जाएगा? 40। अभी कितना बचा हुआ? फोर्टी, एक यस आयोटा रह गया है, तो एक को अपन ने क्या किया? जस्ट इसके मल्टीप्लाई में लग दिया। और आयटा की पावर सर, 4 में ही क्यों तोड़ दिया? क्योंकि अपन को पता है कि आयटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है? फोर के वैल्यू 1 है, यस वन सर, है। और इसकी 1 की कितनी भी पावर बनाई जाए तब भी कितना रहेगा? वो वन, का वो रहेगा। ठीक है, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी? 10। और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपके पास में? आयोटा जो चल ही रहा है, जो ये वाला, ठीक है, यस तो ये सर, हो जाएगा अपने पास में कितना हो गया? ओनली आयोटा रह जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 10 बार करोगे तब भी 1 ही रहेगा, और 1 का मल्टीप्लाई आयोटा के साथ करोगे तब भी क्या रहेगा? आयोटा रहेगा। तो आयोटा, आयोटा की पावर 41 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास में? आयोटा रहे। ठीक है, इसी तरीके से यस अगर सर, मान लो और भी अपने पास में वैल्यू हो जाती है, आयोटा की पावर मान लो 104 है, ठीक है, इसके यस सर, आपको क्या करना है? आयटा की पावर 4 के मल्टीपल में ही तोड़ना है। आयटा की पावर 4, ठीक है, कितना हो जाएगा? यस 26। सर, ठीक 26, है, आपसे 26 का मल्टीप्लाई कर दिया था, 104 ही बनेगा। और इसमें क्या हो जाएगा? वन आयटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और 1 की पावर कितना है? 26। तो 26 की भी पावर हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा? ओनली 1।
आई वन टाइप ऑफ 104 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास में? 1। वन तो जितना भी आपके पास में मल्टीपल में हो, जितना भी हो, उसको आप क्या कर लोगे, आई टाइप और 4 में तोड़ दोगे। चाहे 1000 हो, 200 हो, 3000 हो, 4000 हो, कितना भी वैल्यू आए उसको आप किस में तोड़ दोगे, 4 के मल्टीपल में। फोर जैसे सर ये अपन 104 है तो 24, 26, 4000 ऐसे कर कर हाँ अपन ने डिनोट करा। हाँ और सर हाँ जैसे 41 थी वो उसको अपन ने कैसे करा था? फोर उसको भी इसी तरीके से 10 4 जा 41, 10, 4000 10 4 जा 40, 10 4 जा 40, यस सर। और और प्लस हाँ और प्लस एक ये वाली पावर एक, यस सर ठीक है, प्लस अपने पास में जेरा, यस तो सर टोटल मिला कितना हो गया, 41 हो गया। ठीक है, तो यस ये सर तो था, जब अपने पास में पॉजिटिव में पावर हो। अगर यहीं पर अगर नेगेटिव में पावर होता तब अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो और उसके लिए नेगेटिव में देखिएगा। उसके लिए देखिएगा, जैसे सपोज दैट आपके पास में पावर है आई टाई पावर -K 26, यस सर आई टाई पावर -K 26। तो इसको सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि जब भी अपन एक्स की पावर, अगर मान लो एक्स स्क्वायर है, अगर इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -K 2। मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब अगर मान लो चेंज पॉजिटिव पावर है तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव पावर, और नेगेटिव पावर होगी तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव पावर। सर तो यहाँ पर ये आई टाइप पावर 26 है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, न्यूमिनेटर में लेके जा, डिनोमिनेटर में लेके चला जाऊंगा, तो डिनोमिनेटर लेके चला गया तो ये हो जाएगा आई टाइप पावर माइनस माइनस है, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस की 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 20, आई टाइप पावर 26 हो गया। अब मेरे को एक चीज सर बताइए, अब इस 26 को तोड़ दीजिए, वही उसी में 1 अपॉन आई टाइप पावर 4, और 4 का मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा मैं, 6 से, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, आयता स्क्वायर, तभी तो ये 26 बनेगा। ठीक है, 4 6 जा 4 6 जा 24, यस और 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 26। 46 तो आयता की पावर 4 की वैल्यू आती है कितनी आपके पास में, 1। आयता की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 का पावर वन कितना है, और आयता स्क्वायर की सिक्स वैल्यू कितनी है, आयता स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, -1। यहाँ पर माइनस क्या कर वन दोगे, -1। ठीक है, यस सर आप इसका मल्टीप्लाई 1 की सिक्स पावर 6 है, तब भी कितनी क्या बार भी रहेगा, करें 1 ही रहेगा, वन और 1 का मल्टीप्लाई -1 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो माइनस ये वन देखिए कितना हो गया, 1 अपॉन -1, -1 का इसमें डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का ही। -1 तो आई टाइप पावर -K 26 की वैल्यू आ गई आपके पास में कितना, माइनस का। तो सर जब भी अपने पास में कभी भी पावर माइनस में आए, तो उसको आप क्या कर दोगे, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में लेके चले जाओगे, डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद में फिर उसको क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। अगर सपोज दैट ये होता आई टाइप पावर -K 31, ठीक है, यस तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इसको क्या करते हैं, 1 अपॉन आई टाई पावर 31, ठीक है, आई सर टाई पावर 31 हो गया। अब इस 31 को तोड़ दीजिए, ये क्या इतना हो जाएगा, सर आई टाई पावर, हाँ बोलिए, ऑटो की पावर 31 फोर, इसको अपन करेंगे तो सिक्स हाँ फोर हो का जाएगा कितने, नहीं 7, सेवन यस एट सर बार करेंगे तो 32 होता है, और 7 बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। तो ट्वेंटी ये हो एट जाएगा 28 हो जाएगा, बचेगा कितना, आई टाइप पावर 3 बच जाएगा, थ्री क्योंकि यस 28 प्लस 3 कितना हो जाता है, 31। ठीक सर है, ये हो गया, आप इसको सॉल्व कीजिए, तो आई टाइप ये तो क्या दे देगा, 1 दे देगा, क्योंकि 1 और 1 की पावर 7, तो 7 कितनी हो जाएगी, 1 ही रहेगा। ठीक है, यस सर ओनली क्या बच जाएगा अपने पास में, आई टाइप पावर 3 बच जाएगा। तो आई टाइप पावर 3, तो आई टाइप पावर 3 के वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस के आयोटा, यस सर आई टाइप पावर
थ्री की वैल्यू हो जाती थ्री है आपके पास में कितना, वन आयोटा अपॉन पावर माइनस थ्री जो है वो अपना हो जाती है आयोटा का आयोटा, ठीक माइनस आयोटा। यस सर, है, माइनस का आयोटा रहती है। अब इसको आपको चेंज करने के लिए क्या करा होगा, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि आप देखिए, 0 माइनस आयोटा, यस ठीक सर, है, अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट हो जाएगा। हाँ सर, कॉन्जुगेट क्या होता था, क्या प्लस वाले का क्या हो जाता है, माइनस, माइनस माइनस वाले वाले का को क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस, है ना। तो इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा अपने पास में, प्लस का आयोटा मल्टीप्लाई में कर दिया, और प्लस का ही आयोटा क्या कर दिया मैंने, डिवाइड हो गया। सर, प्लस का ही आयोटा तो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का ही आयोटा क्या कर दिया मैंने, डिवाइड दे दिया। क्योंकि जब चीज जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस चीज से डिवाइड करते हैं, सेम चीज से, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, इसका ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो क्या हो जाएगा अपने पास में, आयोटा रह जाएगा, ठीक है। यस ऊपर का तो आयोटा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1, ठीक माइनस माइनस है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है सर, माइनस, माइनस आयोटा की 1 हो जाएगी ना। माइनस आयोटा नहीं, हाँ, पहले तो आप आयोटा स्क्वायर की बताओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, -1, -1, हाँ सर, और एक माइनस आपका पहले से लगा हुआ है, तो माइनस हाँ माइनस सर, का मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये प्लस का आयोटा कर देगा, ठीक यस सर, है, सॉरी, तो वो सॉरी प्लस का 1 कर देगा। +1, तो यहाँ से माइनस का यहाँ से निकलेगा, माइनस एक पहले से, तो ये क्या कर देगा, प्लस। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी आ जाएगी, आयोटा आ जाएगी, आयोटा, किसकी, यस आयोटा की पावर -31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, आयोटा आ जाएगी। आयोटा। इस तरीके से अपन को अगर एक से ज्यादा वैल्यू दे रखी होती है, कुछ भी वैल्यू दे रखी है, तो उनको अपन को इस तरीके से आपको वैल्यू सर का फाइंड आउट वो करना। यही आएगा जैसे आयोटा -31, आयोटा प्लस आयोटा। हाँ, ये वैल्यू तो आपके अभी तो यस ये स्टार्टिंग है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, आयटा की जितनी भी पावर दे दे, तब उसकी वैल्यू आप फाइंड सर, आउट कर सकते हो। आयटा की पावर कितनी भी दे दे, 200, 300, 1000, 4000, 5000, कितनी भी दे दे, उसको आपको 4 के मल्टीपल में ही तोड़ना है, सर, ठीक है। अब ये तो ये था आयटा की पावर निकालने का। अब इसके बाद में आता है क्या, कि कोई भी आपके पास में, सर, अब देखिए ये क्या करना है, ये इस तरीके से आता है, आपके पास में चेंज द चेंज तो फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, यस ये देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, एक्स प्लस आयोटा वाई या ए प्लस आयोटा बी, सर, हाँ, ए प्लस आयोटा बी या एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ पर एक्स डिनोट कर दिया, वहां पर अपन ने ए प्लस आयोटा बी, वाई तो इस वाली सर, फॉर्म यस में चेंज करना है आपको। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो आपको किस में चेंज करना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। सर, तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा, -3 2 माइनस 3 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा, ये दे रखा है। अब इसको आपको किस वाली फॉर्म में चेंज करना है, एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर क्या है आपके पास में, डिनोमिनेटर आपके पास में 3 माइनस 2 आयोटा, थ्री और माइनस कॉन्जुगेट टू हो आयोटा, जाएगा, तो 3 प्लस 2 आयोटा इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आयोटा, और इसके कॉन्जुगेट क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 3 प्लस 2 आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 प्लस 2 आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? ठीक हाँ सर। है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। पहले सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों कंपोनेंट के साथ में, फिर 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों कंपोनेंट के साथ में। तो कीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में किया तो ये 6 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में किया तो प्लस का 4 आयोटा। ठीक है, अब इस यस माइनस माइनस 3 का मल्टीप्लाई करोगे दोनों के साथ में, तो माइनस का मल्टीप्लाई 3 के साथ में कर दोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 3 3 9 आयोटा। इस -3 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, -9 आयोटा। और इसी सर। वाले का इसके साथ में कर दोगे तो -6, और आयोटा का आयोटा के साथ कर दोगे तो आयोटा स्क्वायर कर देगा, क्योंकि आयोटा इसके साथ में भी, इसके साथ में भी, आयोटा का आयोटा के साथ में कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक स्क्वायर है, अपॉन इसी तरीके से नीचे वालों का इसी तरीके से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में कितना हो जाएगा, 9 9, और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 आएगा। सिक्स आठ अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दोगे, देखिए ये माइनस का है, ये किसका है, प्लस का, तो ये क्या दे देगा, माइनस दे देगा, माइनस तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6 आएगा। आयोटा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, -8 फोर 4 आयोटा आयोटा, और स्क्वायर। आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यस ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करोगे तो देखिए ये नीचे वाला 6 आयोटा प्लस का है, और 6 आयोटा किसका है, माइनस का, तो ये तो दोनों आपस में कैंसिल यस आउट सर। हो गए। ठीक है, ऊपर वाले में चलिए, देखिए 6 तो आपके पास प्लस में, 4 आयोटा ये किसका है, प्लस का, और माइनस के कितने हैं, 9 आयोटा, ये यस कितना बच सर। जाएगा अपने पास में, माइनस के 5 आयोटा बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 आपका माइनस का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1, नहीं माइनस आयोटा स्क्वायर का की, नहीं -1। -1, और माइनस का 6 पहले से है, -1 का और -6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस सिक्स का 6, और अपॉन इसी तरीके से नीचे देखिएगा तो 9 यहाँ पर बच गया है, और देखिए माइनस का ये 4 लगा हुआ है, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, और -1 इस -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का। +4। ठीक है, तो अब इसको यस सॉल्व सर। कीजिए तो दिए कि 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 ट्वेल्व -5 आयोटा, ट्वेल्व ये बचेगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखिए ये कितना हो जाएगा, 12 -5 आयोटा। आयोटा, और अपॉन कितना नीचे कितना रह गया, तो देखो 9 प्लस 4 13, 13 सर। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 9 प्लस 4 13। अब इसका अलग अलग डिवाइड दे दोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 12 अपॉन 13 -5 अपॉन 13 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, एक्स हो गया, और ये माइनस का साइन है, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, वाई वाई, और आयोटा ये वाई। आयोटा, ये उसी वाली फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। तो इस वाली फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट का समझ में आया कि जब प्लस वाला है तब माइनस हो जाता है, माइनस वाला है तो होता है तो ये किसका हो जाता है, प्लस का, प्लस वही का चीज का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, करने के बाद में अब इसको इस तरीके से, और अब नीचे वाले का मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, मतलब स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर, मतलब यस सर। ए क्या है यहाँ पर, 3 यस सर। है और ना, तो बी ए का स्क्वायर टू कट आउट कर है। दिया, और बी कितनी है, बी क्या है यहाँ पर, 2, तो ये क्या कर दो, 2 का स्क्वायर सर बी टू डायरेक्ट। आयोटा है ना। हाँ, यस बी सर। ओनली आयोटा तो इसका मतलब कॉपी वो है आपके पास में, अच्छा आपका इमेजिनरी पार्ट को डिनोट कर रहा है, इसका कॉपी से हम जिस तरीके से अपने इसको डिनोट कर देते ना, ए प्लस बी आयोटा, तो बी यस क्या सर है, बी क्या पूछ रहा हूँ, तो बी क्या है इसका, 2 टू है सर। है ना, और ए यस क्या है सर। यहाँ पर, 3 है, और बी क्या है यहाँ पर, 2 है, तो
इसलिए अपन ए का स्क्वायर 9, ठीक है, बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना, वो सॉरी 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो सर, डायरेक्टली अब इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्या कर देंगे अपन डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 9, और 4 का स्क्वायर, वो 3 का स्क्वायर 4, तो 9 प्लस इसका नीचे 4, का जो अपन ने इतना करा था वो शॉर्ट हो हाँ गया। वो शॉर्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली अपने पास में क्या निकल जाएगा 30। निकलने के सर बाद में, और इस शॉर्ट अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या है आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। हाँ सर, हर 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 इक्वेशन में होता है सर। हाँ, हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यस कैंसिल आउट सर, होने के बाद में बच जाता है अपने पास में 9, और यहाँ से बच जाएगा अपने पास में 4, यस सर। ठीक है। तो सर इसलिए ये वाला अपन अपना डायरेक्ट, पार्ट जो है, ये एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ही? हाँ, एलजेब्रा का ही कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा ये अपना मतलब चैप्टर टू है। चलने लग गया यूनिट वन का। नहीं, अभी तो अपने पास में यूनिट 1 ही चल रहा है। हाँ सर, मतलब यूनिट वन एलजेब्रा जो है उसका एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, ठीक है। तो ये आपके यस सर, पास में क्या हो जाएगा, अपने पास में ये निकल गया, अपने पास में ए स्टैंडर्ड फॉर्म, ए यस प्लस आयोटा बी फॉर्म में हो गया, या एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को क्या करना होता है, चेंज करना होता है ये वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए। सर इसको नोट डाउन कर लेता जैसे मैं। एक मिनट सर, मैं इसका वैसे फोटो खींच के भेज दूंगा आपको। फोटो खींच कर। ओके सर, ओके आप पढ़ो। हाँ ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अगर अपने पास इस तरीके से दे रखा हो, इसको भी इसी फॉर्म में चेंज करना है, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई में आपके पास में 2 प्लस आयोटा अपॉन यस 3 माइनस आयोटा, इसको अपन को चेंज सर, करना होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये तो सेम रखा ही हुआ है, और इसको हाँ पहले सर, सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे तो पहले इसका 1 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ में, फिर आयोटा का मल्टीप्लाई दोनों के साथ में, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो रह जाएगा ओनली 2 प्लस आयोटा, सेम ही टू प्लस रहेगा, आर क्योंकि था। यस वन सर, का वन टू के साथ करोगे तो 2 हो जाएगा, 1 का आयोटा आयोटा का होगा तो मल्टीप्लाई आयोटा। करेंगे तो टू आयोटा, ठीक है, टू आयोटा, यस अब इसका इसके साथ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आयोटा प्लस टू इसका आयोटा इसके प्लस साथ, इसके साथ में कर आयोटा दोगे तो स्क्वायर। इसमें प्लस क्या क्या हो जाएगा, आयोटा यस स्क्वायर हो सर, जाएगा, अपॉन क्या बचा है चल रहा है आपके पास में, 3 माइनस आयोटा चल रहा है। अब इसको यस देखिए, सर, ये तो 1 आयोटा, ये 2 आयोटा, तो कितना हो जाएगा, 3 आयोटा हो जाएगा, यस सर, तो ये बच जाएगा 2 प्लस 3 थ्री आयोटा। आर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, -1। -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन चल रहा है आपके पास में 3 माइनस आयोटा। तो अब देखिए, माइनस का 1 ये रहा, 2 ये रहा, तो ये कितना बच जाएगा, प्लस का 1, ठीक यस सर, है, प्लस का 1 प्लस 3 आयोटा और अपॉन 3 माइनस आयोटा। अब वाली यस अभी सर, जो क्वेश्चन किया था इस वाली फॉर्म में आ गया, अब जो करना होता है इसे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, तो कॉन्जुगेट क्या होता है इसका अपोजिट साइन, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस थ्री प्लस आयोटा का आयोटा। मल्टीप्लाई, और 3 प्लस आयोटा का क्या कर दिया मैंने, डिवाइड। यस सर, अपन नीचे वाले का तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर देंगे। हाँ, अब नीचे वाले का तो क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस, नाइन और इसका प्लस कॉन्जुगेट क्या है, आयोटा, इसका मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, वन आयोटा के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। वन सर, आयोट मतलब अपन वन का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर जो है माइनस है इधर, और माइनस माइनस। हाँ सर, वन हो जाएगा, है ना, पहले प्लस वन है आयोटा सर। स्क्वायर हो जाएगा, अगर मान लो आप इस तरीके से करोगे तो आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर, और वो भी किसका, माइनस का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, -1, तो इसलिए वो माइनस माइनस वन माइनस क्या कर देगा, प्लस का 1 प्लस का स्क्वायर, यस सर, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर से कर दो, तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो सेम ही रहेगा, 3 प्लस आयोटा ही रहेगा, ठीक सर, है, और इसका मल्टीप्लाई और इसके थ्री साथ कर आयोटा दो का तो क्या हो मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 नाइन आयोटा, आयोटा और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में,
का इसके साथ में, तो ये कितना हो जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर। है ना, यस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और 3 आयोटा स्क्वायर होने के बाद में आप इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करोगे क्या हो गया, 3 1 आयोटा और 9 आयोटा कितना हो जाएगा, 3 प्लस 10 आयोटा। 10 आयोटा। और ये देखिए 3 क्या है आपके पास में, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 का मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि थ्री आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यस -1 रखोगे, -1 का मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो -3 हो जाएगा, और अपॉन बच जाएगा अपने पास में कितना, 10। सर। अब देखिए -3 है ये, +3 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। यस अब क्या बच गया ऊपर, 10 आयोटा अपॉन नीचे क्या बच गया, अपॉन 10 आयोटा, 10 से 10 कैंसिल, ओनली क्या बच जाएगा अपने पास आयोटा। आउट तो यही क्या हो जाता है अपने पास, एक फॉर्म हो जाता है, इसको आप उस तरीके से लिख सकते हो, 0 प्लस आयोटा उसी वाली फॉर्म। यस ठीक है, तो आपको इस वाले फॉर्म में ही चेंज करके लेके आना है, आपको किस वाली फॉर्म में, a+i/b वाली फॉर्म में, चाहे कैसा भी आयोटा क्वेश्चन, बी वाले फॉर्म में। हाँ कैसा भी यस क्वेश्चन दे सर। रखा, सबसे पहले उसको उस वाली और इस वाली अगर फॉर्म में ऐसी चेंज। फॉर्म में दे रखा हो तो अपन को कॉम्प्लेक्स में लाना है। इस वाले फॉर्म में सर। आपको लेके आना है a+i/b वाली फॉर्म। यस सर। ठीक है, उसके बाद जब आपको किसी को सॉल्व करना, देखिए इसके बाद आता है, तो ये तो आपने निकालना सीख लिया, यस इसके बाद आती है पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म। यस कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर सर। फॉर्म में क्या करना होता है आपको, कि पोलर फॉर्म इस तरीके से निकालते हैं, तो इसका पोलर फॉर्म होती है क्या, होती है आर कॉस थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होती है क्या, पोलर फॉर्म होती है सर इसमें पोलर आपको, फॉर्म तो अपने इसमें सिलेबस में जैसे है नहीं जैसे। अच्छा नहीं होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, सर। लास्ट में देखिएगा, होगी पोलर फॉर्म। ओके सर। ठीक है, तो आर निकालना होता है और थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, ये दो चीज निकालनी होती है। तो अभी आपने ये वाली फॉर्म में निकालना सीख लिया, a+i/b वाली फॉर्म में, तो यस सर। आर इक्वल टू हो जाता है अपने पास में क्या, √a² + b। अगर आपने ये निकाल लिया तो ये भी निकाल लोगे क्या, √a² + b² सर। इसको बोल दिया जाता है रियल पार्ट, इसको बोल दिया जाता है रियल पार्ट, इसको आर से डिनोट कर दिया जाता है, और थीटा निकालना होता है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू होता है अपने पास में 10 इनवर्स b/a, 10 इनवर्स b/a। ये समझ में नहीं आया सर। जैसे आर की वैल्यू आर की वैल्यू, आपने ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म तो निकालना सीख लिया। ठीक हाँ सर। है, अगर अपने को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो अपने को क्या निकालना हो, इस वाली फॉर्म में चेंज करना हो, तो a+i/b वाली फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अब इसका क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेते हैं, उसका रियल पार्ट और एक सेकंड। यस सर।